विश्वं दर्पण दृष्ट्वा पश्यन्नात्मनः हमारी संन्यास जयंती एक झूठ से शुरू हुई। तो वो झूठ क्या था कि हम मध्य प्रदेश के एक जंगली रियासत में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं तो हम आपके लिए कोई उत्सव मनाएंगे और शहर से बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। तो ये क्या उत्सव मनाया जाए, तो हमारे साथ द्वारका प्रसाद शास्त्री थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि ये माघ शुक्ल एकादशी को स्वामी जी ने संन्यास लिया था तो इसको स्वामी जी की वर्षगांठ करके जन्मतिथि करके इसको मना लिया जाए। तो पर्चे छप गए और हम समझते हैं कि शहर से बड़े कोई 3-4 हजार आदमी आ गए। 35 मील के लगभग तो मैं हाथी से गया था उस गांव में ना, और फिर लौटते समय बैलगाड़ी से आया था, बड़ा जंगल था। तो वर्षगांठ के नाम पर संन्यास जयंती का मनाना शुरू हुआ। वो अभी ठाकुर साहब हैं, उनके पास एक सर्टिफिकेट किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का है कि वो दिखा दें तो गवर्नर उनको नमस्कार करता है, झुकता है। तो यहां से फिर दूसरी बार जब उन लोगों को मनाना हुआ तो मैंने कहा बाबा वर्षगांठ मत लिखो, संन्यास जयंती लिखो। अच्छा, तो यहां से तो ये काम प्रारंभ है। अब थोड़ी संन्यास की भी बात बोलते हैं। जहां तक वेश के संन्यास का प्रश्न है, इसके संबंध में शास्त्र के नियम इतने कड़े हैं कि ये तो अच्छा है कि आप लोग सफेद और लाल सब एक ही है, रंग में क्या रखा है ना, ऐसा सोच के संतोष कर लेते हैं। सब एक ही है ये आपके संतोष के लिए काफी है, लेकिन जिस दिन ये देश आप लोगों को धारण करना पड़े तो बहुत थोड़े लोग तैयार होंगे। है तो सब एक ही लेकिन तैयार होंगे बहुत थोड़े लोग, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसके संबंध में एक तो ऐसी बात है कि कलयुग में वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम का निषेध मिलता है शास्त्रों में। कोई वानप्रस्थाश्रम ग्रहण न करे और संन्यासाश्रम भी ग्रहण नहीं करे, कलयुग में केवल ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम दो ही होने चाहिए। लो पहले तो काले पर एक लक्ष्य मार दिया। तो फिर दूसरी बात ये हुई कि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि भाई जब तक चंद्रमा है, सूर्य है, जब तक वर्णाश्रम की व्यवस्था है तब तक संन्यासाश्रम भी रहना चाहिए और वानप्रस्थाश्रम भी रहना चाहिए, आश्रम का लोप नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्राचीन वचन निकाल के जावत वेदाः कलौ युगे, जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, वेद है, वर्णाश्रम है तब तक संन्यासाश्रम रहना चाहिए, ये व्यवस्था उन्होंने बनाई। और चूंकि बौद्धों का संन्यासाश्रम, अवैदिकों का संन्यासाश्रम बड़े जोर से चल रहा था तो उन्होंने वैदिक संन्यासाश्रम को भी पुनर्जीवन दे दिया। इसके बाद क्या है कि उन्होंने संन्यासाश्रम के लिए बड़ी कड़ी व्यवस्था रखी है। आज भी दंडी स्वामी कोई होना चाहे तो ब्राह्मण होना जरूरी होता है। ये संन्यास आश्रम की व्यवस्था दंडी स्वामियों की ये है कि यदि जन्म से ब्राह्मण न हो तो उसको दंडी स्वामी नहीं बनाते हैं, और वो भी बनाते हैं तो शास्त्रोक्त रीति नहीं है उसमें भी, क्योंकि या तो वैराग्य हो, जिज्ञासा हो, है ना, या तत्वज्ञान हो,
और या तो तीन आश्रमों का विधि पूर्वक पालन कर चुका हो तब चतुर्थाश्रम का ग्रहण होता है। तो ये मत समझना कि हम सब लोगों के लिए छुट्टी है, एक पैसे का गेरू खरीद लिया बाजार से और रंग लिया कपड़ा, नारी मुए घर संपत्ति नासी, मांग मुड़ाए भय सन्यासी, ते विप्रंसन पांव पूजावे, उभय लोक निज हाथ नसावे। तो ये सन्यासाश्रम सबके लिए नहीं है। जदहरे व विरज आश्रम सन्यासाश्रम जिसको बोलते हैं वो सबके लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके तो देश में 5-7 अधिकारी सारे राष्ट्र में एक समय पर 5-7 से अधिक अधिकारी मिलना मुश्किल है। तो बाबा जी बनाने के लिए ये सन्यास आश्रम बिल्कुल नहीं है, ये बड़ी उत्तम वस्तु है और बहुत थोड़े अधिकारियों के लिए है। अच्छा, अब उस योग्यता को छोड़ दो। एक होता है देश का सन्यास, वो मैंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठाधिपति थे उनसे लिए। अच्छा, परंतु उसके पहले की बात आपको सुनाता हूं। हमने घर में रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, यथाशक्ति यथा योग्य, और भगवान श्री कृष्ण ने हमको इशारा कर दिया था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो ये जो ज्ञान है असली सन्यास तो यही है, बोला ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो ज्ञान है वो असली सन्यास है। इसमें फल इसका जो निकलता है वो बड़ा उधर आपकी नजर नहीं जाती होगी। जब अपना आत्मा ब्रह्म हो जाएगा तो ये संपूर्ण जगत ब्रह्म से जुदा तो नहीं होगा ना, आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म जगत, इसलिए आत्मा जगत है ना, कानून यही है ना, गणित का कानून यही है, है? कि आत्मा बराबर ब्रह्म, ब्रह्म बराबर जगत, आत्मा बराबर जगत, आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म जगत है, इसलिए आत्मा जगत है। संपूर्ण विश्व सृष्टि अपना स्वरूप है। तो सन्यास का मुख्य रूप ये हुआ कि एक रकम से थी वो ब्रह्म है सर्वाधिष्ठान अद्वय, और एक रकम से थी वो असंग दृष्टा है आत्मा, और एक रकम से थी वो सर्व है सर्व सर्वात्मा। तो सब में रहकर सबसे न्यारा और सबसे न्यारे रहकर सब, यही सन्यासी का धर्म निकलता है। देखो सन्यासी शब्द तीन तरह से बनता है, हम थोड़े व्याकरण की बात कर लेते हैं। सम माने सम्यक भली भांति, नी माने नितराम पूरी तरह, और आसनम निक्षेपः। भली भांति पूरी तरह अनात्म वस्तु का परित्याग कर देना माने उसके मिथ्यात्व का निश्चय कर लेना, इसका नाम सन्यास है। भान का विरोध इसमें नहीं है। अथवा सम्यक नितराम आसनम निष्ठा, भली भांति पूरी तरह अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाना कि आत्मा ब्रह्म ही है, इसका नाम सन्यास है। ये आध्यात्मिक अर्थ है, बोला। अथवा सन्यास में सम्यक का सम न रख करके सत का रखो, बोला। तो सती न्यास सन्यास, अपने आप को परमात्मा में डाल देना, इसका नाम सन्यास है। सत सन न्यास सन्यास, इसका नाम सन्यास है।